इस लेक्चर में हम एक एमएस वर्ड के एक नए फीचर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस एमएस वर्ड का बहुत ही एडवांस और अच्छा फीचर है और इससे हमें काफी सारी जो टेक्स्ट होते हैं उसमें हमें बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चेंज केस ऑप्शन है वो हमारे होम टैब पर मिलेगा हमको। होम टैब के रिबन पर यहाँ पर आपको इस तरीके का सिंबल देखने मिलेगा। जब आप इसको फोकस करेंगे, आपका माउस पॉइंटर उसको फोकस करेगा, तो इस पर आपको टूल टिप में चेंज केस ऑप्शन दिखा रहा है और चेंज केस क्या काम करता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। क्लियर है? तो एमएस वर्ड का एक एडवांस फीचर है चेंज केस। एमएस वर्ड के फीचर्स पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं चेंज केस। चेंज केस क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले चेंज केस को समझने के लिए हमें पहले काफी सारे पैराग्राफ्स लिखने होंगे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो रैंडम पैराग्राफ जनरेट करता है एमएस वर्ड। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, देखिए एमएस वर्ड मुझे 5 पेज का रैंडम पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर दिखाई दे। सर फॉर्मूला फिर से लिखिए ना एक बार। मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रैंडम का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और ये 10.4 जो है वो जो आपका मैट्रिक्स के रूप में देते हैं हम यहाँ पर। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 10.4 हो, आप इसको 11.5 भी कर सकते हैं। नंबर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतने ज्यादा पेजेस और पैराग्राफ जनरेट करेगा वो। कम नंबर करने पर देखिए अभी 6 पेज जनरेट किया है वो, और उसको मैं 20 कर दूंगा तो 8 या 10 पेज जनरेट करेगा। आप बहुत बड़ा आप चाहते हैं कि मैं 100 पेज सर ये फॉर्मूला लिखने के बाद। हेलो, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रैंडम पैराग्राफ जो है काफी ज्यादा 4 या 5 6 पेजेस का 7 पेजेस का यहाँ पर उसने जनरेट कर दिया। ये स्टेटस बार है, ये बताता है कि 7 पेजेस है, आप अभी फर्स्ट पेज पे हो। 1132 वर्ड्स जनरेट किए गए हैं। अब आप इसमें काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, आप इसको राइट अलाइन करके देख सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और ये राइट अलाइन कर दिया, तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया और ये जस्टिफाई हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जस्टिफाई करने के बाद ये जस्टिफाइड है और ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। दोनों में क्या अंतर है, देखिए ये राइट साइड में जिगजैग है और ये दोनों साइड एकदम बराबर है। तो आप ऐसा अंतर भी देख सकते हैं और काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है। लेकिन हमारा टॉपिक अभी ये नहीं था, हमारा टॉपिक था चेंज केस। तो चेंज केस टॉपिक को फोकस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चेंज केस को इंट्रोड्यूस किया गया था केस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये अपर केस में है, ओ जो है वो अपर केस में है और एन जो है वो लोअर केस में है। तो चूंकि जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको जब हम राइट करते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज में राइट करने का रूल होता है कि हम उसको सेंटेंस केस में राइट करें। सेंटेंस केस क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, स्टेटमेंट का पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा और बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो स्मॉल होंगे। इसको सेंटेंस केस बोलते हैं। तो केस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए मैं किसी भी तरीके से टाइप कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर टाइप करते करते बीच में टी को कैपिटल करना होता है तो टाइप करने में मुझे समय लगता है कि मैं शिफ्ट के साथ टी दबाऊंगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए या स्पीड बढ़ाने के लिए चेंज केस ऑप्शन यहाँ पर आया गया। चेंज केस ऑप्शन ये बोलता है कि आप कैसे भी इसको टाइप कर दो, पूरा स्मॉल में टाइप कर दीजिए। जैसे मैं पूरा स्मॉल में टाइप कर दिया, अब आपको लगता है कि इसको सेंटेंस केस में बदलना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में एस जो है वो कैपिटल है, यानी कि पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल कर देगा वो। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सब क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, केवल सेलेक्टेड एरिया पे करेगा ये। मैंने इसको सेलेक्ट किया है इसलिए ये कर रहा है, मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा तो पूरे पे करेगा। दूसरा केस है देखिए लोअर केस, ये इसमें पूरा देखिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसकी डिजाइन भी ऐसे बनाई गई है ताकि आपको समझ में आए। तो मैं लोअर केस पे क्लिक करूंगा, देखिए पूरा का पूरा स्मॉल कर दिया।
ठीक है। अगला ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर अपर केस, देखिए पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा है, यानी ये पूरा एरिया जो है जो सिलेक्टेड है वो पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया चेंज केस की वजह से। अगला जो केस है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर ऑन का ओ, इसमें टी, इसमें टी, इसमें टी, पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऑप्शन सेलेक्ट किया कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो गया कैपिटल हो गया है। ठीक है, अगला केस है आपके पास टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, जो केस पहले है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि लोअर है तो अपर हो जाएगा और अपर है तो लोअर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ओ कैपिटल है और एन जो है वो स्मॉल लेटर है, तो उल्टा हो जाएगा, ओ स्मॉल हो जाएगा और एन कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखिए टी स्मॉल और बाकी सब कैपिटल। तो टॉगल केस क्या करता है, जस्ट रिवर्स कर देता है आपके केस को, कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल कर देता है। क्लियर है, चेंज केस ऑप्शन आपको फिर से समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एमएस वर्ड में चेंज केस ऑप्शन होम टैब के अंदर आपको मिलेगा, 5 तरीके के केस यहाँ पर उपलब्ध हैं, 5ों को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है केस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए। केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आप कीबोर्ड से पूरा का पूरा टाइप करिए स्मॉल लेटर में, बाद में उसको किसी भी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आपको बार बार उसी समय इसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। यानी मैं यहाँ टाइप करते समय कुछ भी टाइप कर दूंगा, केस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पूरा अपर केस किया, ये पूरी तरीके से वो केस को चेंज कर देता है। इसका बेनिफिट ये भी है कि ये एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट की केस को चेंज कर सकता है। मैं यहाँ पर एक पूरा सेलेक्ट ऑल कर लिया हूँ और यहाँ पर केस सेंसिटिव चेंज केस में मैंने गया, अपर केस पे क्लिक किया, पूरा डॉक्यूमेंट जो है कैपिटल लेटर में हो गया। ये 7 पेज है, अगर 80 पेज भी होता 100 पेज भी होता तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता। क्लियर है, 1 मिनट में आप पूरे कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल या किसी भी दूसरे केस में, जो कि टाइपराइटर में करना बहुत मुश्किल था। एक्चुअली एमएस वर्ड को टाइपराइटर को रिप्लेस करने के लिए ही बनाया गया था, टाइपराइटर का रिप्लेसमेंट है ये, जिसमें टाइपराइटर के अलावा बहुत सारे एडवांस फीचर भी हैं, जैसे आप यहाँ पर कैरेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट लिख सकते हैं, टाइपराइटर में नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, टाइपराइटर में नहीं कर सकते। क्लियर है, यहाँ पर आप कलरफुल दे सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, जो टाइपराइटर में आप नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर ऐसी हजारों चीजें हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन टाइपराइटर में आप वो नहीं कर सकते। तो आज हमने फिर एक टॉपिक देखा चेंज केस, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं।